गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका चैप्टर 10 मंगल्स डोंकी सीखेंगे। मंगल्स डोंकी। मंगल एक फार्मर का नाम है, किसान का नाम है। उसके पास एक डोंकी होता है। हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे हैं, लेसन को पढ़ते हुए उसका एक्सप्लेनेशन आपने देखा, तो अभी हम लोग उसका स्टोरी को रिव्यू करते हैं। ठीक है, हम समझाएंगे तो आप और फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आप और अच्छा से समझ सकते हैं। तो हुआ कि मंगल के पास एक डोंकी था। डोंकी भी पुराना, मतलब बूढ़ा, और कुआं भी काफी पुराना था। तो कुआं पुराना है, गधा पुरानी पुराना है, मतलब बूढ़ा है। तो यहाँ क्या होता है कि एक बार किसान जब अपने फील्ड में खेत में काम कर रहा था तो गधा गिर गया। कहाँ गिरा? कुआं में, डीप कुआं है, उसमें गिर गया। उसके बाद मंगल बहुत सारा उपाय खोज रहा है, क्या करें, उसको बचाने की कोशिश करें। और बेचारा गधा जो है ना, बिटरली पीछे मैंने बुरी तरह दुखी होके रो रहा है और उसको बचा नहीं पा रहा है आपका किसान मंगल। तो फिर सोचता है चलो कुआं को तो ऐसे भी भरना ही है, और गधा बूढ़ा हो गया, गधा को अभी बचा कर भी क्या होगा, वर्थ नॉट वर्थ सेविंग इट, उसको बचाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सोच के वो गधा को छोड़ दिया, उसको बचाने का उपाय भी छोड़ दिया, और पड़ोसी लोग को मदद मांग रहा है कि आखिर ये कुआं को भरना ही है तो कुआं को भर दो, और उसमें कीचड़ मिट्टी सब डालने लगे। अब जैसे जैसे एक एक बेलचा से मिट्टी डालते गए, गधा होशियार है, बूढ़ा है लेकिन होशियार है। ठीक है, वो क्या किया, वो मिट्टी को अपने बदन से फाड़ देता है। फिर जहां मिट्टी गिरता है उसको मिट्टी के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। फिर जैसे जैसे शुरू में जब मिट्टी डाला है तब गधा थोड़ा अपसेट हो गया है, उसको लगा होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो शार्प था, स्मार्ट था, वो क्या किया, तुरंत मिट्टी को झाड़ दिया, कीचड़ गिरा झाड़ दिया, मिट्टी गिरा झाड़ दिया। उसके बाद वो जैसे जैसे झाड़ता है क्या होता है, मिट्टी उसके नीचे जा रहा है, अब वो मिट्टी के ऊपर आ जा रहा है। अब कीचड़ हो या मिट्टी हो, वो उसके ऊपर 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 आ जा रहा है। तो ऊपर ऊपर आते ही अंत में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, माने ये कुआं है, ठीक है, ये कुआं है और यहाँ मिट्टी डाल रहा था, यहाँ गड्ढा है, यहाँ गड्ढा है, और वो जैसे जैसे मिट्टी डाल रहा तो मिट्टी के ऊपर 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 आके गधा यहाँ तक आ गया। तो यहाँ आ गया तो क्या हो गया, कुओं के ऊपर का दीवार में आ गया और यहाँ से गधा बाहर आ गया, तो गधा ऐसे ही बच गया। सो यहाँ हमें यह इस छोटी सी कहानी, गधा हम लोग कभी कभी जो बुद्धि जिसको कम है उसको हम लोग गधा बोलते हैं, लेकिन बुद्धि जिसका कम है वो सच में गधा है, वो नहीं है। आप देखिए कैसे यहाँ पे वो गधा जिसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं कि वो मिट्टी बन जाए, वो क्या कर रहा है, उस मिट्टी को झाड़ झाड़ के ऊपर आ जा रहा है। यही है हम लोगों के लिए यहाँ इस लेसन में एक अच्छा सबक है। क्या है, हमारे ऊपर जितना भी तकलीफ आए हम लोग उस तकलीफ को क्या करें, स्टेपिंग स्टोन समझ कर बाहर निकलना। स्टेपिंग स्टोन मतलब क्या है, एक कदम आगे बढ़ाना। कोई भी तकलीफ होता है उस तकलीफ में डूबे रहना, उसमें शोक मनाना, उसी में दुखी हो जाना, वो नहीं, वो मिट्टी मेरे ऊपर पड़ रहा है, मैं मिट्टी में ही सो जाऊं, ऐसा गधा सोचा नहीं, सोचा गधा क्या किया, गधा उस मिट्टी से ऊपर आया, हर बार उसके ऊपर मिट्टी गिराया गया, हर बार वो उस मिट्टी से ऊपर आया, और वो पूरा पूरा जितना पेड़ मिट्टी डाला होगा वो सारा इससे वो बाहर आ गया। तो ये हम लोग को सीखना है, हमारे ऊपर जितना भी लोग कीचड़ फेंके, हमारे ऊपर जितना भी लोग गाली दें, हम लोग को उसके ऊपर उठना है, हम लोग को रुकना नहीं है, हम लोग को भयभीत नहीं होना है, हम लोगों को दुखी नहीं होना है, लेकिन हम लोग को उसके ऊपर उठना है। इसीलिए ये लेसन में आप देख रहे हैं कि हर तकलीफ हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, हर ट्रबल हर प्रॉब्लम हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। ठीक है, सीखिएगा, आप सेवन स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, समझ तो अच्छा है आप में होगा, इसीलिए आप हमेशा सीखेंगे ये मंगल
बाइबल के डॉकी से एक अच्छे सबक कि तकलीफ में भी हम लोग तकलीफ को क्या करना है, स्टेपिंग स्टोन बनाना है, उन्नति का एक कदम, प्रगति का एक कदम सोच के हम लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, सो ये वीडियो हम इसे एक्सप्लेनेशन में खत्म करते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम